नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कार ने बाइक सवारों को मारे टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। थाना सासरी के गांव अलीपुर निवासी 41 वर्षीय विनय पुत्र राधाकृष्ण अपने साथी 24 वर्षीय नकुल पुत्र रहवेंद्र के साथ बाइक से अपने घर आगरा से लौट रहा था। जैसे ही उनकी बाइक हादसर मार्ग पर संत फ्रांसिस स्कूल से समीप पहुंची, पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी और दोनों बाइक सवारों को रोते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप में घायल हो गए और कार सवार काम छोड़कर चले गए। सादाबाद कोतवाली और चंदना थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से घायलों को उपचार के लिए सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने विनय को मृत घोषित कर दिया और जबकि नकुल का प्राथमिक उपचार करने के बाद हादसर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस ने दोनों के परिजनों को भी दी है और मामले की जाँच चल रही है। पाकी हेगड़े की आइटम गर्ल बनकर वापसी। पाकी हेगड़े ने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भोजपुरी फिल्म राउडी रॉकी ने काम किया है, जिसका गाना पिया पीस दिया जवानी के यह रिलीज हुआ था। इस गाने में पाकी हेगड़े ने प्रदीप पांडे चिंटू के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। बातचीत के दौरान पाकी हेगड़े ने बताया कि राउडी रॉकी के उन्होंने सिर्फ पिया पीस दिया जवानी के गाने पर ही परफॉर्मेंस किया है। पाकी हेगड़े की माने तो राउडी रॉकी पूरी तरह से साउथ स्टार फिल्म बनी एक्शन फिल्म, जो दर्शकों को खास तौर पर पसंद नहीं आएगी। इस फिल्म में पहले ही पाकी हेगड़े प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कोई फिल्म कर चुकी है। काफी लंबे भोजपुरी सिनेमा के वापसी को लेकर पाकी हेगड़े की चर्चा हो रही है। पाकी हेगड़े कहती है कि भोजपुरी फिल्मों से ऑफर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन स्टार प्लस के शो उड़ती का नाम रज्जो की वजह से कोई फिल्म नहीं कर पा रही है। राउडी रॉकी ने सिर्फ एक ही गाना करना था, जिसके लिए समय निकालना आसान नहीं था मेरे लिए। इस फिल्म को करने का सबसे खास वजह यह भी रही है कि राजकुमार पांडे ने निर्देश में बनी कई फिल्में कर चुकी हूँ, वह हमेशा मेरे लिए कुछ खासी सोचते हैं। हालांकि राउडी रॉकी के वह निर्देशक नहीं है, इस फिल्म में उन्होंने संगीत दिया है। भोजपुरी सिनेमा के आमतौर पर देखा गया है कि गायक की हीरो बने हैं मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव, निरव्वा पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी के कई सितारे अपने उदाहरण हैं, लेकिन प्रदीप पांडे ने चिंटू हीरो बनने के बाद गायक बने हैं। राउडी रॉकी का गीत पिया पीस दिया जवानी के, जो आपको पांडे चिंटू के भोजपुरी गायिका हिंदू सोनाली के साथ गाया है और इस गीत को सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखा है। प्रदीप पांडे चिंटू इससे पहले भी अपनी फिल्मों के लिए कई गाने गा चुके हैं। रमना मोगली के निर्देशक में बनी यह फिल्म राउडी रॉकी 30 दिसंबर 2022 को बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के अलावा मानी भट्टाचार्य और सयाजी शिंदे की मुख्य भूमिका है। रत्ना पाठक को नहीं पसंद आई ट्रिपल आर। ट्रिपल आर ने इस साल मार्च में रिलीज होने के बाद दुनिया भर में 1200 करोड़ के अधिक की कमाई की है और गोल्ड ग्लोब नामांकन और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से के लिए भी 5 नामांकन प्राप्त किए हैं। ट्रिपल आर में रामचरण और जूनियर एनटीआर क्रमांक विस्थापित जीवन के क्रांतिकारियों के अल्लुओं की सितारे जामू और कोमारा भीप में रूप में है। इस फिल्म के आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिका में दिखी है। इस फिल्म को लेकर रत्ना पाठक का कहना है कि जब तक फिल्म निर्माता उनके काम को गंभीरता से नहीं देखेंगे, तब तक दर्शकों को एसएस राजामौली जैसे फिल्म देखने रहना होगा। रत्ना पाठक ने एक बुल लॉन्च के मौके पर आगे कहा है कि ट्रिपल आर जैसी फिल्में आज बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह रिग्रेसिव फिल्म है। यह पीछे की ओर देखती है और जबकि हमें आगे की ओर देखना चाहिए। हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अच्छा है, क्योंकि हम लोकप्रिय की जाननी भारती का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा है कि जब फिल्म निर्माता अपने काम को गंभीरता से नहीं देखेंगे, तब तक हमें ट्रिपल आर जैसी फिल्में ही देखनी पड़ेगी, लेकिन लोग आलोचना पसंद नहीं है, हमसे अहंकार का चोट
लगती है। यह माहौल इतने बड़े लोगों के बनाया है और दुर्भाग्य है कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि रत्ना पाठक की गुजरता फिल्म कच्छ एक्सप्रेस जल्द ही रिलीज होने वाली है। अभिनेत्री इस फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन करने में लगी है। इसने पहले उन्होंने फिल्म पठान को लेकर भी जोरदार बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोगों के पास खाने को तो नहीं है, लेकिन किसी और के कपड़ों पर बोलने के लिए जरूर है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।